उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। पहले वीडियो में हमने सांख्यिकी के अर्थ को जानने की कोशिश की थी और उसकी एकवचन और बहुवचन में परिभाषाओं को हमने जाना। अब हम सांख्यिकी का महत्व या इसकी उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोक प्रशासन में सांख्यिकी का महत्व। लोक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राचीन काल से ही सांख्यिकी का उपयोग किया जाता रहा है। जैसे सरकारी बजट प्रचलित वर्ष और आगामी वर्ष के अनुमानों के आधार पर ही बनाया जाता है। जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, उत्पादन, आयात निर्यात आदि के आंकड़ों के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि जो हमारा बजट है इसमें शिक्षा पे कितना खर्च किया जाएगा या डिफेंस पे कितना खर्च किया जाएगा, स्वास्थ्य पे कितना खर्च किया जाएगा आदि, इस प्रकार का कितना व्यय किस फील्ड में किया जाएगा ये लोक प्रशासन में इसके आधार पर ही तय किया जाता है। इसके अतिरिक्त करों के निर्धारण सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में अपव्यय को कम करने हेतु भी विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को प्रयोग किया जाता है। दूसरा सांख्यिकी का महत्व जो है ये आर्थिक नियोजन में देखने को मिलता है। किसी भी देश के आर्थिक नियोजन या नीति निर्धारण में वहाँ उपलब्ध संसाधनों, स्थानीय समस्याओं एवं आवश्यकताओं से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों की आवश्यकता होती है। क्योंकि संसाधन जो हैं ये किसी भी देश में लिमिटेड होते हैं, इसीलिए इनका अनुकूलतम उपयोग करना हमारी आज की ज़रूरत है। इसीलिए इनसे संबंधित जो आंकड़े हैं इनकी आवश्यकता हमें सांख्यिकी की सहायता से लेनी पड़ती है। आंकड़ों के आधार पर ही सांख्यिकी एवं दीर्घकालीन आवश्यकताओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखकर अर्थव्यवस्था में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं एवं इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो वित्तीय संसाधनों के अनुमान हैं वो भी आंकड़ों की मदद से सांख्यिकी का प्रयोग करते हुए लगाए जाते हैं। अगर कोई योजना है इसकी प्रगति का मूल्यांकन करना है तो इसके लिए भी सांख्यिकीय विधियों का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा, हम बात करें अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व या इसकी उपयोगिता के बारे में, तो अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने में सांख्यिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र के आंकड़ों की तुलना, व्याख्या एवं इनके बीच में अंतर संबंधों को ज्ञात करने के लिए सांख्यिकीय ज्ञान जो है ये बेहद ज़रूरी होता है। जैसे हम बात करते हैं, एक उदाहरण से इसे समझेंगे कि उपभोग के आंकड़ों के आधार पर हम लोगों के जीवन स्तर, उनकी उपभोग प्रवृत्तियाँ और उनकी बचत आदि के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी जैसे बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि जो हमारी समस्याएं हैं, इनके अध्ययन और समाधान के लिए आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की जानकारी बेहद आवश्यक होती है। चौथा, हम बात करें अर्थमिति में सांख्यिकी का महत्व की, तो जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो अर्थमिति या इकोनोमेट्रिक है ये सांख्यिकीय एवं गणितीय विधियों का उपयोग करते हुए इसमें अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। सांख्यिकीय द्वारा अर्थमिति के लिए मात्रात्मक आंकड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं, लेकिन सांख्यिकी स्वयं आर्थिक परिमाणों के संबंधों का मापन नहीं करती है। पांचवा जो इसका महत्व हम बात करेंगे ये है अनुसंधान कार्यों में, यानी कि जब भी अनुसंधान कार्य हम करते हैं तो इसमें जो हम आंकड़े एकत्रित करते हैं इसमें सांख्यिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और वर्तमान समय में लगभग हर क्षेत्र के अनुसंधान में सांख्यिकी का उपयोग जो है ये बेहद आवश्यक हो गया है। सांख्यिकी का उपयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण आदि में किया जाता है, जिससे उन्हें अपने अध्ययन के लिए जो सही निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। जैसे जनांकिकी में जनसंख्या से संबंधित अनुसंधान में, वाणिज्य में वस्तुओं की खरीद बिक्री या आय व्यय से संबंधित अनुसंधान में इत्यादि, इस प्रकार के उदाहरण हैं जिनमें सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। सांख्यिकी के बिना अनुसंधान अधूरा एवं अविश्वसनीय हो सकता है, क्योंकि यह आंकड़ों को समझने एवं उससे अर्थ निकालने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। सांख्यिकी के बिना अनुसंधान अधूरा एवं अविश्वसनीय हो सकता है, क्योंकि सांख्यिकी आंकड़ों को समझने एवं उससे अर्थ निकालने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। वाणिज्य और व्यापार में सांख्यिकी का महत्व, देखिए वाणिज्य और व्यापार में सांख्यिकी का प्रयोग जो है ये निर्णय लेने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यावसायिक संगठनों को बाजार के विभिन्न पहलुओं को समझने एवं उनका विश्लेषण करने में मदद करता है,
जैसे बाजार में उत्पादों जो विभिन्न उत्पाद हैं इनकी मांग एवं पूर्ति के आधार पर जो व्यावसायिक संगठन हैं ये अपने निर्णय लेते हैं, और बाजार में क्या कीमत स्तर है और बाजार में उपभोक्ताओं की प्रवृत्ति कैसी है, किस सामान को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और व्यापार चक्रों और आदि को समझने एवं इनका विश्लेषण करने में जो सांख्यिकी है ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांख्यिकी का उपयोग करके निकाले गए निष्कर्षों द्वारा जो उत्पाद एवं सेवा संबंधित विपणन रणनीतियाँ यानी कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है, इससे व्यापारिक संगठन अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं उनको प्राप्त करने में सफल होते हैं, और यदि व्यापारी का अनुमान गलत हो गया तो उसको हानि भी हो सकती है। इसीलिए व्यापार एवं वाणिज्य में आंकड़ों के आधार पर सही अनुमान लगाना बहुत आवश्यक होता है, और इसके लिए सांख्यिकीय की मदद ली जाती है और ये बहुत ही ज़रूरी भी है। अब हम बात करेंगे सांख्यिकी की उस सीमाओं की। जैसा आपको दिख रहा होगा कि इसकी हमने पांच सीमाओं के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है कि यह केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करता है। तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे कि जैसे आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ लोग आपको दिखेंगे, तो हम इनकी आयु, इनकी हाइट या इनके परिवार के सदस्यों की संख्या के बारे में हम आसानी से पता लगा सकते हैं। सांख्यिकी जो है ये केवल इन्हीं आंकड़ों का अध्ययन करता है जिन्हें हम मात्रात्मक रूप से या संख्यात्मक रूप से प्रकट कर सकते हैं। इस चित्र को देख के आप ये पता नहीं लगा सकते हैं कि इसमें से कोई व्यक्ति कितना गरीब है या बीमार है, आप ये चित्र के आधार पे पता नहीं लगा सकते हैं। तो सांख्यिकी में जो गुणात्मक आंकड़े हैं इनका अध्ययन संभव नहीं है। हालांकि जो गुणात्मक आंकड़े होते हैं इनको अगर हम संख्यात्मक रूप में प्रकट करें तो इसका अध्ययन हम सांख्यिकी के अंतर्गत कर सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे गरीबी को संख्यात्मक रूप से हम माप नहीं सकते हैं, परंतु लोगों की आय एवं उनके जीवन स्तर का अध्ययन करके हम गरीबी का अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको किसी क्लास में जो बच्चे हैं उनके बौद्धिक स्तर का अनुमान लगाना है या उनके बारे में जानकारी एकत्रित करनी है तो आप परीक्षा में उनके जो प्राप्त अंक हैं उसके आधार पर ये ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी जो सांख्यिकी की सीमा है वो ये है कि ये अध्ययन हेतु एकमात्र विधि नहीं है। किसी भी देश में विभिन्न समस्याएं ऐसी होती हैं जिसके आंकड़े मात्रात्मक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं या जिनकी प्रवृत्ति जो है वो गुणात्मक होती है। जैसे कृषि देश में प्रचलित उनके रीति रिवाज गुणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, इस प्रकार के गुणात्मक आंकड़ों का प्रयोग सांख्यिकी द्वारा संभव नहीं होता है। अतः किसी भी समस्या के अध्ययन में सांख्यिकी ही एकमात्र विधि नहीं है। इसके अलावा भी कई सारी विधियां हैं जिनका उपयोग विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। इसकी जो तीसरी सीमा ये है कि ये केवल सामूहिक अध्ययन को अधिक महत्व देती है। जैसे किसी देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए उस देश के सभी व्यक्तियों की आय को हम जोड़कर वहाँ जो व्यक्तियों की कुल संख्या से हम भाग दे देते हैं, परंतु यह किसी गरीब या अमीर व्यक्ति की व्यक्तिगत आय को न बताकर उस समूह की औसत आय को प्रदर्शित करता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकीय निष्कर्ष में व्यक्तिगत विशेषताओं को महत्व न देकर सामूहिक अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाता है। इसकी सांख्यिकी की चौथी सीमा जो है वो ये है कि सांख्यिकीय नियम केवल दीर्घकाल एवं औसत रूप में ही सही होते हैं। जैसे हम बात करें विज्ञान के नियमों की तो ये सभी परिस्थितियों में समान रहते हैं। जैसे हम सभी ने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में पढ़ा है कि जैसे किसी वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो हमेशा पृथ्वी की ओर नीचे गिरती है। ये नियम जो है ये पूरी पृथ्वी पर कहीं भी आप जाइए तो ये समान रूप से लागू होता है। परंतु सांख्यिकी के जो नियम हैं ये अन्य विज्ञानों की तरह सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं होते हैं। सांख्यिकी के नियम केवल दीर्घकाल एवं औसत रूप में ही समूहों पर ही सही होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम सिक्का उछालते हैं तो एक बार उछालने पर इसमें हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ होती है यानी कि 1/2 होती है। यदि हम सिक्के को 20 बार उछालेंगे तो हो सकता है कि 15 बार उसमें हेड आए और 5 बार उसमें टेल आए, परंतु जब हम उसी सिक्के को 10,000 बार उछालते हैं
तो हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग आधी हो जाती है, यानी कि टॉस की संख्या बढ़ाने पर संभावनाएं जो है वो आधी के निकट होती जाती हैं। सांख्यिकी की जो पांचवी सीमा है वो ये है कि इसके लिए हमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी में संकलित आंकड़ों से उचित परिणाम निकालने हेतु आपको सांख्यिकी के जो नियम हैं या इसके लिए जो अनुभव होना जरूरी होता है उसका ज्ञान होना आपको बेहद ज़रूरी है। इसको निकालने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति जो जिसको सही तरीके पता हों संग्रहण एवं विश्लेषण के, वही इनसे सही निष्कर्ष निकाल सकता है। यदि कोई नया व्यक्ति या जिसे सांख्यिकी का ज्ञान उतना ना हो, यदि वो निष्कर्ष निकाले तो ऐसा भी हो सकता है कि वो भ्रामक या गलत निष्कर्ष निकलने की भी इसमें संभावनाएं अधिक रहती हैं। अब हम अंत में बात करेंगे सांख्यिकी की कुछ आधारभूत अवधारणाओं की। सबसे पहले हम इसमें समग्र की बात करेंगे। जब भी हम अनुसंधान करते हैं तो उसके लिए हम कोई क्षेत्र या कुछ निर्धारित करते हैं जिसमें हमें अनुसंधान करना होता है। तो यदि हम अनुसंधान में पूरी इकाइयों के बारे में हम जानकारी एकत्रित करनी होती है तो उसके या निर्धारित क्षेत्र के सभी इकाइयों के बारे में हम जब डाटा एक कलेक्ट करते हैं या जानकारी एकत्रित करते हैं तो उसे हम समग्र या पॉपुलेशन कहते हैं। समग्र का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, पहला संख्या निर्धारण के आधार पर, दूसरा अस्तित्व के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या निर्धारण के आधार पर समग्र के प्रकारों की। तो ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार है सीमित समग्र का, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे समग्र जिनकी इकाइयों की संख्या निश्चित या फाइनाइट होती है और इनकी जो गणना करना है ये हमारे लिए संभव होता है। ऐसे समग्र जो हैं वो सीमित समग्र कहलाते हैं। जैसे किसी भी विश्वविद्यालय में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं इनकी संख्या के बारे में आपको पता करना है तो वो फिक्स होंगे। दूसरा इसमें प्रकार आता है, वो आता है असीमित समग्र का। तो ऐसे समग्र जिनकी कुल इकाइयों की संख्या अनिश्चित होती है और इनकी गणना करना हमारे लिए या अनुसंधानकर्ता के लिए संभव नहीं होता है, इन्हें हम असीमित समग्र कहते हैं। जैसे आकाश में तारों की संख्या को गिनना या एक बड़े विशाल वृक्ष के पत्तों की संख्या गिनना, तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। तो ऐसे समग्र जो हैं ये असीमित समग्र कहलाते हैं। दूसरा प्रकार जो होता है समग्र का वो अस्तित्व के आधार पर होता है। अस्तित्व के आधार पर दो प्रकार से हम विभाजित करते हैं। इसमें पहला होता है वास्तविक समग्र। ऐसे समग्र जिनकी सभी इकाइयाँ ठोस या मूर्त रूप में विद्यमान होती हैं वास्तविक समग्र कहलाती हैं। जैसे किसी कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या, इन्हें आप गिन सकते हैं अपने सामने सामने। और दूसरा इसमें जो प्रकार होता है वो होता है काल्पनिक या सैद्धांतिक समग्र। ऐसे समग्र जो वास्तव में या मूर्त रूप में विद्यमान नहीं होते हैं एवं जिनकी इकाइयों को केवल कल्पना के आधार पे हम मापते हैं, इन्हें हम काल्पनिक या सैद्धांतिक समग्र कहते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम पासा फेंकते हैं एक, तो इसमें हमें पता तो नहीं है कि 1 से लेके 6 तक कोई संख्या आएगी, लेकिन इतना निश्चित रहता है कि जब भी हम पासा फेंकेंगे तो हम 1 से 6 तक हमारी कोई भी संख्या आ सकती है। अब हम बात करेंगे न्यादर्श या प्रतिदर्श की। जब हम अनुसंधान में किसी समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन कर लेते हैं तो उसे हम समग्र कहते हैं। ये जो प्रतिनिधि इकाइयाँ होती हैं ये पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसा आपको अपनी स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे आपको पॉपुलेशन तो ज़्यादा दिख रही है, इसमें से हमने कुछ नीले कलर के और कुछ हरे कलर के सैंपल हमने ले लिए हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रतिदर्श या न्यायदर्श कहलाते हैं। इसे इंग्लिश में हम सैंपल कहते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं कि जैसे किसी विश्वविद्यालय के जो टोटल स्टूडेंट हैं इसमें से अगर हम केवल 100 शिक्षार्थियों या 100 स्टूडेंट को सेलेक्ट करके हम उनके मार्क्स के बारे में या उनके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहें तो इसे हम क्या कहेंगे कि न्यायदर्श कहा जाता है। इस प्रकार के जो हमारे अध्ययन की विधियाँ हैं। और जो सांख्यिकी में निदर्शन की तकनीकें हैं यानी कि न्यायदर्श को लेने की जो हमारी अनेकों विधियां हैं इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है प्राचल का। प्राचल जो होता है ये समग्र की सभी इकाइयों के आधार पर निकाले गए सांख्यिकीय माप को कहते हैं, जैसे माध्य, बहुलक या सहसंबंध आदि प्रकार के।
जैसे किसी शहर की मान लीजिए जनसंख्या जो है ये 1 लाख है, और अगर हम इन सभी 1 लाख व्यक्तियों के आंकड़ों के आधार पर अगर हम सांख्यिकीय माप को निकालते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? प्राचल कहा जाता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण जनसंख्या के आंकड़ों को सम्मिलित किया जाता है। इसी का जो दूसरा है वो प्रतिदर्शज कहलाता है, यानी कि अगर हम जो हमारे समग्र हैं इसमें से कुछ प्रतिदर्श इकाइयों का चयन करते हैं और इन्हीं इकाइयों के आधार पर हम सांख्यिकीय माप को निकालते हैं, तो ऐसी सांख्यिकीय माप को हम क्या कहते हैं? प्रतिदर्शज कहते हैं। जैसे हमने पिछले उदाहरण में समझा था कि मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है, और यदि इसमें से हम 10,000 व्यक्तियों को चयनित कर लेते हैं और उनसे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकीय माप को जब हम निकालते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिदर्शज कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है या पहली इकाई है ये समाप्त होती है। अगली इकाई में हम फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।